जीवन रेखा हिमोफीलिया जन कल्याण समिति के बैनर तले आज ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय को, और बताया गया कि जिला अस्पताल में ना तो CMS ध्यान से काम कर रहे हैं, ना डॉक्टर अग्रवाल जी पेशेंटों की फाइलें उठाकर फेंक रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ये वो मरीज़ हैं जिनको किसी वक्त भी कोई ब्लीडिंग हो सकती है, किसी वक्त भी कोई बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले ही हमने अवगत करा दिया, जिलाधिकारी महोदय ने जांच के उच्च स्तर जांच के आदेश दिए हैं। और ये छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, इसको किसी इस तरह के बहुत बच्चे हैं जो परेशान हैं हिमोफीलिया से, बीमारी से, इसकी वजह से कोई, सबसे पहले तो इनको ब्लीडिंग होती है, तो सबसे पहले ही इन्हें देखा जाए। हमारे हिमोफीलिया मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पाता है। डॉक्टर अजय मोहन अग्रवाल लापरवाही काफ़ी दिखाते हैं मरीजों के साथ में। CMS TSR आर्या जो जी हैं वो भी इन मरीजों की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनको ना ही समय पे उचित इलाज मिल रहा है, जिसके कारण ये बच्चे अपंग हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ठीक से पूरी डोज ना मिलने के कारण इन बच्चों की जान भी जाती है। हमारे यहाँ इमरजेंसी में भी मरीज जब जाता है तो उनको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे करीब इंतजार करना पड़ता है, तब जाके उनकी फाइल बनती है। उसके बावजूद जब स्टाफ में पहुंचते हैं तो स्टाफ आपस में बातें करने लग जाते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा चाय पानी कर लें उसके बाद हम आपको देखते हैं, वहाँ भी करीब डेढ़ घंटा लग जाता है। इस तरीके से जब मरीज घर से अपने चलता है, बाहर से तो आ रहा आज है, आपने यहाँ पे DM साहब के सामने आए हैं क्या, उन्होंने आश्वासन जी दिया? आज हम साहब के पास आए थे तो उन्होंने हमको बताया कि बोले ठीक है, हम इसकी जांच कराएंगे, और उन्होंने फुल आश्वासन दिया है हमारे लिए कि इस तरीके की जाँच करा कर हम आपको संतुष्ट करेंगे। मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं हिमोफीलिक पेशेंट हूँ, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट होता है। और यहाँ पर जो फैक्टर नाम की जो क्या नाम ट्रीटमेंट जो दवाई लगती है हमारे लिए, इस दवाई में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं हमें। कम करीब करीब लाइनों में एक डेढ़ डेढ़ घंटे खड़ा रहना पड़ता है, उसके बावजूद कोई भी सुनता नहीं है। और डॉक्टर कह देते हैं कि अब मेरा आज का मेरा दिन नहीं है, आप दूसरे रूम में जाइए, वो डॉक्टर देखेंगे। और उस रूम में जाने के बाद में वो डॉक्टर कह देते हैं क्या नाम ये आज का ये पेशेंट हमारा नहीं है, ये उसी रूम में जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। और जब उस रूम में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उन डॉक्टर का समय हो गया है, वो उठ जाते हैं वहाँ से उठ जाते हैं, फिर उसके बाद इमरजेंसी वगैरह जाना होता है। इमरजेंसी वाले कहते हैं पूरा दिन क्या करते रहे, यहाँ क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है, वो क्या नाम वो भी उल्टा सीधा वहाँ करते हैं और भगाते रहते हैं। और जॉइंट में इतनी दिक्कत होती है कि हम लोगों को खड़े होने में जरा जरा सी उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को ध्यान में ना रख करके और हम लोगों को केवल। चाचा आपके सामने सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आई थी? हमारे सामने हमारी नाती है एक भाई, और मैं सैनपुर एकदम रहने वाला हूँ, और नक्सीवाल मेरा नाम है। और जब कभी जाके ये चालक फूल कर देते कि इधर से उधर उधर से उधर, अब ये बच्चा है हिमोफीलिया की, ये जितने चलो फिरनो मुश्किल, लाइन में लगनो मुश्किल है, ये क्या कर सकता है? जबकि पहले बताइए इमरजेंसी पार्ट फोल्डर को, अब खोलो ना खोलो तो एक बराबर है, जब इनको कोई फायदा ना मिल रहा हो सही ढंग से डॉक्टर ना मिल रहा हो तो उससे क्या फायदा। तो मुस्तकार लेकर हम जानकारी महोदय के पास आए, लेकिन बच्चे की देख रेख करिए, जो अपने दोस्त अपने ये डोज सही से सही ढंग से दिया जाए, जिससे इनका जीवन सुधार हो।